अपनी जिंदगी के सबसे यादगार दिन पीएम मोदी अमित शाह को साथ रखना कैसे भूल गए? बीजेपी में ऐसा हुआ क्या? भागवत को सम्मान लेकिन द्रौपदी मुर्मू, शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी क्या हुए दरकिनार? मोदी के मास्टरमाइंड को नहीं पढ़ पाया विपक्ष। कुछ भी सोचने से पहले देखिए अंदर की वो रिपोर्ट जो कोई नहीं दिखाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को नहीं होगी। 99% लोग ये नहीं समझ पाए कि सियासत में गुजरात से दिल्ली तक साथ निभाने वाले अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया। विपक्ष का दावा है बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेसी पत्रकार इसे मोदी की तानाशाही बता रहे हैं, पर सच्चाई सुनकर आप भी हिल जाएंगे। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी की कोई तस्वीर राम मंदिर उद्घाटन के दौरान दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? योगी के अलावा बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं था? एक से बढ़कर एक नेताओं का नया कपड़ा तैयार था, पर ऐन वक्त किसके कहने पर निमंत्रण नहीं भेजा गया। लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी अगर नहीं जाते तो लोग कहते बीजेपी में गुटबाजी बढ़ गई है, लेकिन अमित शाह का नहीं जाना कुछ बड़ा इशारा करता है। जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है वहां से भाजपा की सोच शुरू होती है। कांग्रेस बीजेपी के राम कहकर प्रचारित प्रसारित करती रही, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर इसे देश का इवेंट बना दिया। मोदी सरकार चाहती तो 300 से ज्यादा बीजेपी के सांसदों, 60 से ज्यादा मोदी सरकार के मंत्रियों और हजारों बीजेपी विधायकों को न्योता भेज सकती थी, लेकिन यहां योजना दूसरी थी। राजनाथ सिंह हो या फिर नितिन गडकरी या फिर छोटा मोटा विधायक और सांसद, सबके लिए मोदी ने ऐसी लकीर खींची जिसमें अमित शाह को भी शामिल होना पड़ा। जिस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उस वक्त मोदी की पूरी सेना क्या कर रही थी ये जानना बेहद जरूरी है। मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के हमीरपुर के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पीयूष गोयल महाराष्ट्र में कलाकारों की रंगोली देख रहे थे, जबकि राजनाथ सिंह अपने घर में परिवार के साथ पूजा कर रहे थे। अमित शाह और नड्डा दिल्ली में राम मंदिर का उद्घाटन लाइव देख रहे थे, तो उसका मतलब क्या है? ऐसा आदेश मोदी ने क्यों दिया? ये बात समझने के लिए थोड़ा देश हित के बारे में सोचना होगा। विपक्ष का आरोप था ये राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी कर रही है, जबकि ये जनता का कार्यक्रम था। अमित शाह जैसे नेता को मोदी ने इसलिए अयोध्या नहीं बुलाया क्योंकि कुछ दिन पहले ही देश की जनता से प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर अपील की थी कि 22 जनवरी का कार्यक्रम घर से ही देखें। कहते हैं जब नेता खुद नियम का पालन नहीं करेंगे तो जनता क्यों करेगी। यही कारण है कि नितिन गडकरी से लेकर शाह जैसे नेताओं को अयोध्या नहीं बुलाया गया। बीजेपी ने अपने नेताओं को घर रहने, अपने क्षेत्र के मंदिरों में पूजा करने या फिर परिवार के साथ पूजा करने का आदेश अंदर खाने जारी किया था, जिसको विपक्ष समझ नहीं पाया। यही कारण था कि अयोध्या में जिस वक्त नरेंद्र मोदी राम की पूजा कर रहे थे उस वक्त पूरा देश दीपावली मना रहा था और हिंदुस्तान राम नाम के साथ मगन था। कांग्रेस जिसे बीजेपी का इवेंट बताती रही वो देश का इवेंट बन गया और नुकसान विपक्ष को ही हुआ। विपक्ष को लगता है राम मंदिर की हवा कुछ दिन बाद धीमी हो जाएगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जनता को बहुप्रतीक्षित राम मंदिर मिला है तो बदले में जनता के नरेंद्र मोदी को अब 350 सीट पार करवा देगी। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक साथ फ्रेम में दिखना क्या कहता है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब विपक्ष नहीं तलाश पाएगा, लेकिन अमित शाह का ना जाना बीजेपी में फूट नहीं बल्कि बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी ने अपने नेताओं को ना बुलाकर राम मंदिर के उद्घाटन को देश से जोड़ दिया और विपक्ष इस चाल को समझ ही नहीं पाया। क्योंकि मोदी शाह अलग भी होते हैं तो वो एक साथ चलते हैं, बेशक कैमरे में एक साथ ना दिखे हों, पर राजनाथ हो या गडकरी, शाह हो या नड्डा, हर नेता उस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहा जिसे दिल्ली में खींचकर नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।